नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास है जो कि पांडे बंधुओं द्वारा रचित है। आज हम अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अमीर खुसरो का जो जीवन काल है ये 1253 से 1325 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन ओलिया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। जो खड़ी बोली है इसको लाने का श्रेय किसको गया है, अमीर खुसरो को, कि आदि कवि आदि काल में जिसने खड़ी बोली का प्रयोग किया वो खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है, यानी दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आना और जाना इन्होंने अपने जीवन काल में देखा है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो देखिए, जो हम एक एक नंबर के लिए प्रश्न कर रहे हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार पेपर में आते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि भी कहा है और इसके साथ साथ कवियों में राजकुमार की संज्ञा इन्होंने दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या है ये 100 बताई है। इनमें महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, खालिक बारी है, पहेलियां हैं, मुकरियां, दो सुखने और गजल, ये नाम आप शायद पहले भी जानते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है, यानी लिखने का जो तरीका है वो क्या है इसका, उक्ति वैचित्र्य। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण जो पद हैं, चैमन तूतीय हिंदुम अर रासत पुरसी जेमन हिंदुई पुरस तानाज गोयम, ये महत्वपूर्ण पद्यांश है किसका, अमीर खुसरो का। इसमें ये क्या बताना चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। हिंदवी यहाँ पर क्या है, जो खड़ी बोली का प्रयोग ये कर रहे हैं वो हिंदवी है। पहेलियों की अगर बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध पहेली है, हमने बचपन में भी अपने स्कूल समय में भी इसे पढ़ा होगा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, ये क्या है, आकाश। यानी ये पहेलियां हैं जो खुसरो ने हमें दी और आज भी हम उन्हें उतने ही चाव से पढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए, तो दिया और बाती, बाती यहाँ पर क्या है, सांप है, और दिया क्या है, दिया और दिए में भरा हुआ तेल तालाब है, जो सांप है वो उस तालाब को खाता है और जब अगर तेल खत्म हो जाता है तो बत्ती यानी सांप भी मर जाता है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी ह्यो के बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए, ये किस क्या है, पायजामा, अरत्य इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, यानी दर्पण या शीशा। तो ये आप यहाँ पर देखें कि ये वो पहेलियां हैं जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारी हिंदी की किताबों में इनको शामिल किया हुआ है। अब इनके लेखन का जो ब्रजभाषा रूप हम देखें, चूक भई कुछ पासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, यहाँ पर ब्रजभाषा प्रधान है। एक नार पिया को भाती, तन वाको सरगा जो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीवन बसत है कैसे। तो ये ब्रजभाषा का रूप यहाँ पर है इनका काव्य रूप। दोहे और गीत अगर हम देखें वो भी किसमें, ब्रजभाषा में, उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत मैं तो साधु है निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की जानी, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये पंक्तियां कब कही थी, जब उनके गुरु का देहांत हो गया था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु और की, चारों अंधकार छा गया है क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु अब इस संसार में नहीं है। मोरो जोबना नवेला नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल,
सुनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोहे डस डस जाए। जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम, एजा न लेहू काहे लगाए छतियां। तो ये पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और किसकी पंक्तियां हैं? खुसरो जी की ये पंक्तियां हैं। तो ये मीर खुसरो का बहुत ज़्यादा कुछ याद हमें नहीं करना, कुछ एक महत्वपूर्ण ये जो हमने पंक्तियां करी है और इनके जीवन के बारे में जो जाना है वही आपको याद करना है पेपर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ हल हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ मुझे मिलेगा तो मैं उस पर अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।